सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं Asus के एक गेमिंग फ़ोन लॉन्च के बारे में। Asus ने अपना इंडियन मार्केट में गेमिंग फ़ोन लॉन्च कर दिया है। उस फ़ोन का नाम है Asus ROG फ़ोन। ROG की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। Asus ROG फ़ोन स्मार्टफोन की खासियत ये है कि ये दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो 3D वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम के साथ आएगा। इवेंट के दौरान इंडियन मार्केट में Asus ROG फ़ोन की प्राइस, लॉन्च ऑफर्स और अवेलेबिलिटी की जानकारी भी दी गई है। इसकी अहम फीचर्स की बात करें तो Asus ROG फ़ोन अल्ट्रासोनिक एयर टच सेंसर्स, गेमर सेंट्रिक डिज़ाइन, अमोल्ड डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट और 1 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम के साथ आता है। इस फ़ोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर दिया गया है और एड्रेनो 630 GPU इंटीग्रेटेड किया गया है। Asus ROG फ़ोन की इंडिया में प्राइस और लॉन्च ऑफर्स की बात करें तो इस फ़ोन की प्राइस 69,999 रखी गई है। इस फ़ोन में 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। यह फ़ोन एक्सक्लूसिव तौर पर ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर सेल किया जाएगा। इस हैंडसेट की बिक्री फ्लिपकार्ट पर स्टार्ट हो चुकी है। लॉन्च ऑफर्स की बात करें तो इस फ़ोन के साथ ₹999 का एक्स्ट्रा पेमेंट करने पर फ्लिपकार्ट कंप्लीट मोबाइल प्रोडक्शन प्लान लिया जा सकता है। एक्सेसरीज़ की बात करें तो प्रोफेशनल डॉक की प्राइस 5,499 रुपीज़, गेम वॉइस यानी जॉयस्टिक की प्राइस 5,999 रुपीज़ और ट्विन व्यू डॉक की प्राइस 21,999 रुपीज़। डेस्कटॉप डॉक की प्राइस 12,999 रुपीज़ और ROG फोन की केस की प्राइस 2,499 रुपीज़ रखी गई है। जियो यूज़र्स के लिए 509 के रिचार्ज पर डे 4GB डाटा और 5,000 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस फ़ोन में 6 इंच की फुल HD प्लस अमोल्ड डिस्प्ले दी गई है जिसका रेजोल्यूशन 1080p x 2160p दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 90Hz है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए 2.96GHz क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ ही इस फ़ोन में एड्रेनो 630 GB इंटीग्रेटेड किया गया है और मल्टीटास्किंग को इजी बनाने के लिए इसमें 8GB रैम दिया गया है। इस स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेंसर दिया गया है। रियर पर 12MP सोनी IMX363 सेंसर और 8MP 120° वाइड एंगल, ये दो कैमरे दिए गए हैं और इस फ़ोन में 8MP का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। और कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें इस फ़ोन के तो इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, AGPS, USB टाइप सी पोर्ट, NFC और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स शामिल हैं। इस फ़ोन में एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, कंपास, जायरोस्कोप, अप्रॉक्सिमिटी सेंसर और अल्ट्रासोनिक एयर ट्रिगर सेंसर्स जैसे सेंसर्स यूज़ किए गए हैं। इस स्मार्टफोन की बैटरी 4000mAh की है और इसका वेट 200 ग्राम है। सिक्योरिटी के लिए बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी रहेगा। Asus के मुताबिक बैटरी 30 मिनट्स में 60% तक चार्ज हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा गेमिंग फ़ोन है। उसी हिसाब से फिर उसकी प्राइस भी रखी गई है जो कि काफ़ी हाई है, 69,999 रुपीज़ यानी करीब 70,000 की कीमत में आपको ये गेमिंग फ़ोन मिल रहा है। तो अगर आप इस फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप आसानी से ख़रीद सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ
और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब पहले से ही कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं हमें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।